श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है और डूबते डूबते ही मानव तैरने लगते हैं। चोट से घबरा के पीछे मत हटो, ठोकर खाकर ये व्यक्ति संभलने लगता है। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनानी पड़ती है। झुक के सलाम करती है ये दुनिया, पहले बस औकात बनानी पड़ती है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। लगातार बूंदें उफान लाकर रख देती है। जिंदगी में मुश्किल कितनी है, लगातार कोशिश हर मुश्किल आसान करके रख देती है। आंखों को बंद करने से नहीं, बल्कि मुसीबत का सामना डट कर करने से ही मुसीबत खत्म होती है। सोचने से ज्यादा किसी काम को करने में विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी भी कार्य को मेहनत और लगन से करते तो उस कार्य में कभी आपस सफल नहीं हो सकते। ईश्वर की शक्ति के आगे हम अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए बुरे कर्म करने से डरिए। सबके लिए समान समय होते हैं। कुछ लोग सफलता की नई इमारत बनाते, कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते। जवाब के साथ कोई समस्या ही नहीं हो तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंसान चाहे जितना अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन कभी ना कभी कोई भूल हो ही जाती है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। जिसका जैसा स्वभाव वह वैसा ही बनेगा। बबूल के पेड़ में कभी मीठे फल नहीं लग सकता। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ सहज तो देती है, पर पहचान झील लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। समय सबसे बड़ा देवता है, उसका निराधार मत करो। पहचान से मिला काम बहुत ही कम समय के लिए टिकता है, पर काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। इंसान कहता है कि पैसा है तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के ईगो को बढ़ावा देता है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी ना डरो, या तो जीत मिलेंगे और हार गए तो सीख मिलेंगे। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाला हमेशा बड़ा होता है। कमजोर ना बने, शक्तिशाली बने। विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है। श्री कृष्ण कहे थे, हमेशा याद रखिए कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति नहीं है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरों के महल में गुलामी करने से तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। जिंदगी छोटी नहीं होती,
लोग जीना ही देरी से। शुरू करते श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए जिंदगी में खर्च करने के लिए समय ही ना बचे। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कहते हैं चलो वहाँ जहाँ जरूरत है, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर। कितना अजीब है दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या चाहता है, ये वक्त वक्त की बात है। सबका वक्त आता है, मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके। कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, और जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है जल्दी नहीं मिलती। अपनों का साथ आवश्यक है, सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती। मैं श्रेष्ठ हूँ या तुम विश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। एक लड़का अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था। इसी परेशानी के कारण वो अपने घर वालों से दूर जाने का फैसला किया और अपने घर से निकल गया। रास्ते में उसे जंगल मिला। वो काफी देर तक अकेला बैठा रहा, बहुत कुछ सोचता रहा, परेशान मान ले कि वो उदास बैठा रहा। भगवान से बातें करने लगा, ये भगवान मैं हार चुका हूँ अपनी इस जिंदगी से, या तो मुझे अपने पास बुला लो या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब भगवान ने कहा, बेटा छोटे छोटे चीजों से परेशान क्यों होते हो, तुम इस जंगल में अकेले बैठे हो तो एक काम करो, अपने आसपास के घास और बांस के पेड़ को तो देखो। जब मैंने घास और बांस के बीज को लगाया था तब मैंने दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल की थी और दोनों को ही बराबर पानी और प्रकाश दिया। देखते हैं देखते घास बहुत ही जल्दी बड़े होने लगी और इसने पूरी धरती को ही हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज थोड़ा भी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी होगी, उस पर झाड़ियां आने लगी, लेकिन फिर भी बांस के बीच में कोई भी विकास नहीं हुआ। ऐसा करते करते 4 साल बीत गए, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बीच में से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ, पर घास की तुलना में ये बहुत ही छोटा और कमजोर था। लेकिन केवल 6 महीने के बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया और मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट भी ऊंचे बांस को संभाल सके। भगवान ने उसे फिर कहा, देखो मैं किसी भी जीव या आपने द्वारा बनाई गई रचना को उतना ही चुनौती देता हूँ जितना वह सह सके। क्या तुम जानते हो, अभी जो भी तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो, वास्तव में तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए तुम्हारा समय भी आने वाला है।